गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई डॉक्टर चारू पंत, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी. टुडे वी टॉक अबाउट जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. दिस टॉपिक इज वेरी वेरी यूजफुल टू अवर लर्नर्स इनरोल्ड इन बीएससी पार्ट वन एंड देन न्यू एजुकेशन एनईपी 23. बेसिकली आज के चैप्टर में हम लोग अब डिस्कस करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में और उसका इंट्रोडक्शन. बेसिकली क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको हम कैटेगराइज करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में. मोस्टली हम ये सबसे पहले ये भी कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, दीज आर दी कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम डिफाइन कर सकते हैं कि दोज कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन. बेसिक जो मेन कंपोनेंट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो रहता है कार्बन. कार्बन के अलावा अदर एलिमेंट्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं लाइक हाइड्रोजन एंड देन और भी इसके अलावा. तो इस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम डिफाइन करते हैं. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो फ्रेमवर्क है वो हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि फैमिलीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कौन कौन सी ऐसी फैमिलीज हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैटेगराइज करती हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी ग्रुप्ड इनटू फैमिलीज बाय देयर कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर. तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैटेगराइज करने का वो उसके स्ट्रक्चरल फीचर्स से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अब स्ट्रक्चरल फीचर्स को हम किस तरीके से कह सकते हैं कि जैसे सपोज हमारे पास कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एल्कीन है, एल्काइन है, या इसके अलावा साइक्लोएल्केन है, एल्काइल हैलाइड्स हैं, एराइल हैलाइड्स हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये सारे के सारे कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आते हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये आज का लेक्चर है हमारा, इस लेक्चर में हम ये कह सकते हैं कि दिस चैप्टर डील्स विद द एल्कीन्स कंपाउंड दैट कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन्स एंड ऑल आर कनेक्टेड एक्सक्लूसिवली बाई द सिंगल बॉन्डेड बिकॉज ऑफ जितने भी एल्केन्स होते हैं. जो सबसे पहली फैमिली हम बात करने जा रहे हैं आज यहाँ पे वो है एल्केन्स. तो एल्केन्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे वो एल्केन्स के अंदर आएंगे. तो आज हम इस चैप्टर में बात करने जा रहे हैं एल्केन्स के बारे में. तो दीज आर दी डिफरेंट स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर्स ऑफ एल्केन्स लाइक मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन. तो ये इनका मॉलिक्यूलर डायग्राम है जिससे हम दिखा सकते हैं कि कैसे एल्केन्स का स्ट्रक्चर रहता है. एल्केन्स में बेसिकली क्या होगा, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा. जैसे मीथेन है, मीथेन क्या है, CH4 का मॉलिक्यूल है. एक कार्बन होगा, उसके अराउंड पे चार हाइड्रोजन्स होंगे. दीज जो जितने भी हाइड्रोजन होंगे दे ऑल आर सिंगली बॉन्डेड. एंड देन सेकेंड वन इज इथेन. इथेन में हम देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन दो मॉलिक्यूल हैं कार्बन की, दैट इज कार्बन एंड कार्बन दो एटम. तो दोनों एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होंगे. सेम वे प्रोपीन है, प्रोपीन में नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हो जाएंगे आपके, 3. तो हमने ये कहा कि एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दे आर कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. नाउ फंक्शनल ग्रुप. अब देखिए ये जो टॉपिक आज का हमारा है, दिस इज द फर्स्ट टॉपिक, और इसमें हम केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड के कैटेगरीशन या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बता रहे हैं. अब देखिए हम ये कहते हैं कि भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बहुत सारे टाइप के कंपाउंड्स होंगे आपके, और उन कंपाउंड्स का कैसे आप आइडेंटिफिकेशन करेंगे, तो उसके फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे. तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, देखो बेसिकली हम ये कहते हैं कि फंक्शनल ग्रुप वो कंपोनेंट है, वो इस प्रॉपर्टीज होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो आइडेंटिफाई कराती है कि वो कंपाउंड है क्या. बेसिकली हम ये कहते हैं कि भैया सपोज आपके पास क्या है, सपोज हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ होगा तो उसका इसमें उसको क्या कहेंगे. ऐसे आपके पास CHO अगर कोई फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसके इसमें आप उसको कैसे नामकरण देंगे. तो फंक्शनल ग्रुप के बिहाफ में ही आप क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं. और वो फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, डायरेक्टली अटैच्ड होगा जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा. सपोज हम कह रहे हैं कि भाई मीथेन है, सपोज फॉर एग्जांपल वी हैव अ मीथेन. तो मीथेन में हम क्या करने जा रहे हैं, OH ग्रुप का एडिशन कर रहे हैं. तो क्या करेंगे कि मीथेन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह पे OH ग्रुप को ऐड कर देंगे. तो CH3OH बन जाएगा, इट मीन CH4-H+OH, दैट इज CH3OH. अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का पूरा सिनेरियो ही बदल जाता है आपका. देखो मीथेन था इनिशियल कंपाउंड, उसमें से एक हाइड्रोजन हमने अलग कर दिया, बाहर कर दिया और उसकी जगह पे OH ग्रुप को ले आए.
तो इसका मतलब अब कंपाउंड का क्या होगा, पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, यानी सी एच थ्री ओ एच बन गया, ओ एच इज एल्कोहलिक ग्रुप, तो इसका मतलब अब वो जो कंपाउंड आपको मिला दैट इज एल्कोहल। तो इस तरीके से हमने ओ एच के बेसिस पे बता दिया कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, आपका एल्कोहल है। ऐसे ही अगर आपके पास कोई सी एच ओ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा तो हम उस टाइम पे कह देंगे कि भाई एल डी आई डी फंक्शनल ग्रुप है सी एच ओ, तो वो एल डी आई डी कंपाउंड हो गया। ऐसे ही आपके पास कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड होगा तो उस टाइम पे हम कीटोन्स को उसको बोल देंगे। कार्बोक्जिलिक एसिड है, अमाइंस है, अमाइट्स है, तो ऐसे ही बहुत सारा एक भी ह्यूज क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। एंड तो उसका जो हमने क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप्स, सपोज आपके पास यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल वी हैव द डबल बॉन्डेड एंड इन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स एल्कीन्स रिएक्ट विद ब्रोमीन इन द सेम वे। वी सी द फिगर लाइक दैट कि आपके पास क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड कंपाउंड है। सिमिलरली एक साइक्लिक कंपाउंड आपका देख रहा है, आपका साइक्लिक कंपाउंड में कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, तो दोनों की जो केमिकल रिएक्शंस होगी ऑलमोस्ट सेम होंगे, बिकॉज जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, सपोज हम इस पर ब्रोमीन का एडिशन करा रहे हैं, तो ब्रोमीन जो है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड जो मलिक्यूलर कंपाउंड है उस पर अटैक करेगा। तो ये साइक्लिक कंपाउंड की जो रिएक्शन होगी और ओपन चेन जो हाइड्रोकार्बन आपका है इसकी रिएक्शन होगी, वो सिमिलर रिएक्शन होगी, ऑलमोस्ट सिमिलर रिएक्शन होगी। दिस इज वन टाइप इज फंक्शनल ग्रुप का क्या रोल हो सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, इसकी हम बात करेंगे। अब देखिए जो नेक्स्ट स्लाइड आपकी है, सर्वे ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब ये पता कैसे चला होगा कि कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि एज वी लर्न अबाउट देम ईच चैप्टर दिस विल बी इजियर टू रिकोगनाइज देम। द फंक्शनल ग्रुप ग्रुप अफेक्ट द रिएक्शन स्ट्रक्चर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्वे कंपाउंड इन विच दे अकर। और होता क्या है कि जो फंक्शनल ग्रुप है, मैंने आपसे ये कहा था कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड पे किसी फंक्शनल ग्रुप का आप एडिशन करोगे या उसको अटैच करोगे तो उसकी पूरी की पूरी जो एक फ्रेमवर्क है वो सब बदल जाएगा। लाइक आपका स्ट्रक्चर बदल जाएगा, प्रॉपर्टीज बदल जाएगी, या प्रॉपर्टीज में केमिकल रिएक्शन है या फिजिकल रिएक्शंस है या फिजिकल प्रॉपर्टीज जिसको हम कहते हैं, तो ये सारे के सारे में क्या आ जाएगा, एक तरीके से चेंज आ जाएगा। तो बेसिकली जो फंक्शनल ग्रुप का रोल होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो वो उसको आइडेंटिफाई करता है कि उसका क्या फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी होगी। तो दिस इज द सर्वे ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। नाउ टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, मल्टीपल कार्बन कार्बन बॉन्ड, लाइक वी हैव लाइक एल्कीन, एल्काइन एंड अदर मल्टीपल बॉन्डेड। जहाँ पर मल्टीपल बॉन्डेड का मतलब हो गया कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, वही डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड किसी साइक्लिक कंपाउंड में होगा। तो इस तरीके से अलग अलग फंक्शनलिटी के क्या होंगे, कंपाउंड्स आपको मिलेंगे। जैसे एल्कीन्स है, एल्कीन्स वी हैव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक। ऐसे एल्काइन्स के केस की बात हम करते हैं तो कार्बन कार्बन क्या आ जाएगा उसके बाद उसमें ट्रिपल बॉन्ड। तो इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज होगी वो बदलेगी, यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग जो भी कंपाउंड होंगे वो अलग अलग नेचर के होंगे, उनकी केमिकल रिएक्शंस अलग होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी। तो इस तरीके से हम फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरीज को हम बता सकते हैं कि कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड में किस तरीके से हो सकती है। सिमिलरली अगर इसके अलावा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास है और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के अलावा अदर देन कोई और ग्रुप अटैच्ड होगा, जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल वी हैव वी सी दिस स्लाइड लाइक एल्काइल हैलाइड। इन केस ऑफ एल्काइल हैलाइड, कार्बन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई हैलाइड एज अ ग्रुप जुड़ा होगा, तो ये भी एक अपनी फंक्शनलिटी को डिफाइन करेगा। सपोज एल्काइल हैलाइड है, सपोज मैं ये बात कर सकता हूँ कि मीथेन आपके पास था और मीथेन से आपने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और उसकी जगह पे किसी हैलाइड को ले आया। हैलाइड में क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, एनी वे कोई भी हो सकता है। तो वहाँ पर जो उसका मैपिंग बनेगी वो क्या बनेगा, सी एक्स बॉन्ड, एक्स इज हैलाइड। अब एक्स में आपका क्लोरीन है तो एल्काइल हैलाइड में एल्काइल क्लोराइड हो जाएगा, अगर एक्स की जगह पे ब्रोमीन अटैच होगा एल्काइल ब्रोमाइड आपके पास होगा। तो इस तरीके से ये मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप टाइप की बात कर रहे हैं हम। और इसके अलावा सपोज फॉर एग्जांपल वी हैव अल्कोहल, मैंने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि अल्कोहल्स के केस में क्या होता है कि कार्बन के साथ क्या जुड़ा होगा आपका, वहाँ पे ओ एच फंक्शनल ग्रुप होगा। सपोज वी हैव अ ईथर, ईथर में क्या होगा आपका आर ओ आर, यानी सी ओ सी जो हमने सिंगल बॉन्ड आपको दिखाया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सी एस थ्री ओ सी एस थ्री टाइप का कंपाउंड। तो ये एक
फंक्शनल ग्रुप का डिफाइन करेगा। ऐसे अमाइंस के केस में होगा तो अमाइन में आपका जस्ट सपोज एनिलीन का कंपाउंड है या मिथाइल अमाइन की बात कर रहे हैं तो कार्बन नाइट्रोजन फंक्शनल ग्रुप होगा वहाँ पे, तो कार्बन नाइट्रोजन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन की बात करेंगे हम। सपोज थायोल का केस है, थायोल में थायो ग्रुप आ जाता है सल्फर, दैट इज कार्बन से क्या जुड़ा होगा, यानी जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास होगा इनिशियल जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल होगा उस ओरिजिनल मॉलिक्यूल से आपने SS ग्रुप को ऐड कर दिया तो वो थायो ग्रुप के अंदर आ जाएगा। सपोज हमारे पास सल्फाइड है, सल्फाइड में CSC बॉन्ड होगा, जैसे ईथर में COC टाइप का बॉन्ड होता है तो सिमिलरली सल्फाइड के केस में क्या होगा आपका CSC ऑक्सीजन की जगह पे वहाँ पे सल्फर होगा। ऐसे ही आपके पास इसके अलावा एल्डिहाइड्स का केस है, ये नाउ दिस स्लाइड वी सी दैट कि ग्रुप्स विथ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड्स कार्बोनिल ग्रुप, ये अब हम कार्बोनिल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं। कार्बोनिल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप में इतने टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स आप कहेंगे, सपोज सबसे पहले हम देख रहे हैं स्लाइड में एल्डिहाइड्स है, एल्डिहाइड के केस में CHO फंक्शनल ग्रुप होगा, इसमें कार्बन ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड होगा, C डबल बॉन्ड OH टाइप का ग्रुप होगा। कीटोन्स के केस में RCOR टाइप का ग्रुप होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो उस टाइम पे RCOOH टाइप का फंक्शनल ग्रुप होगा। एस्टर की अगर हम बात करते हैं तो एस्टर के केस में फंक्शनल ग्रुप होगा, अमाइड के केस में, एंड देन एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड इज अ टाइप ऑफ एक फंक्शनल ग्रुप है, ऐसे ही कार्बोनिल कंपाउंड के केस में है। तो दीज आर द वेरियस टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज कार्बोनिल ग्रुप फंक्शन, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप्स, एंड वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ दीज टाइप ऑफ कार्बन ऑक्सीजन फंक्शनलिटी लाइक कंपाउंड एल्डिहाइड्स, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, अमाइड्स एंड एसिड क्लोराइड। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स। नाउ वी सी दिस स्लाइड एल्कीन्स एंड एल्केन्स आइसोमर, एल्केन्स एंड एल्केन आइसोमर्स। एल्केन, अब नॉर्मली हम बात करते हैं जो इनिशियल हाइड्रोकार्बन हमारा पास है दैट इज एल्केन्स। ऐसे अब इस पूरी सीरीज में हम इसका डिस्कशन करते जाएंगे वन बाय वन। नाउ अब इस पूरे पार्ट में हम बात कर रहे हैं कि एल्केन्स, व्हाट इज एल्केन्स, एंड देन सिमिलरली हम बात करेंगे एल्कीन्स की एंड देन एल्काइन्स। अब इसके अंदर जब आप जाएंगे तो एल्केन्स का ओरिजिन कहाँ से होता है सबसे पहले हम बात ये करते हैं, देन उसकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी या केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, क्या एल्केन्स का स्ट्रक्चर होगा, तो इन सारी चीज़ों के बारे में इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। सो नाउ वी डिस्कस एट फर्स्ट एल्केन्स। तो प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था कि एल्केन्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एंड अब हम इस पर एक और एड ऑन कर देंगे कि एल्केन्स आर दोज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड, यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो उसको हम बोल देंगे क्या, एल्केन्स। सेम वे अब क्या होता है कि एल्केन्स का अपना, अब एल्केन का ओरिजिन कैसे होता है इसकी हम बात कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि एल्केन्स का अपना एक जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है और उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम क्या करते हैं इनको डेवलप करते हैं, यानी डिफरेंट मेंबर्स ऑफ एल्केन्स को। तो एल्केन्स का अपना एक क्या होगा जनरल फार्मूला होता है, दैट इज CnH2n+2 वेयर एन इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जो एन वैल्यू है दिस इज रिप्रेजेंटेड टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सपोज वी हैव द नंबर ऑफ एन इज इक्वल टू 1, देन वी गेट C1H2 × 1+2, दैट इज CH4। दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन, CH4। सेम वे इफ वी वॉन्ट द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू 2, देन वी गेट C2H6। सेम वे इफ द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू 3, देन वी गेट द न्यू कंपाउंड दैट इज न्यू मेंबर ऑफ द एल्केन इज C3H2 × 3, 6+2, 8, C3H8। सेम वे इफ वी हैव द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू 4, देन C4H10। सेम वे अगर आप ऐसे एन की वैल्यू को इंक्रीज करते जाओगे तो वी हैव गॉट अ नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ एल्केन्स, एन इज इक्वल टू 20, 30, 40, कुछ भी आप कर सकते हैं इसमें। तो दीज आर दी वेरियस मेंबर्स ऑफ एल्केन्स एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एल्केन्स को हम बोलते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स अगर वो किसी ओपन चेन फॉर्म में होगा। नाउ द डिफरेंट वे टू राइट स्ट्रक्चर ब्यूटेन, सपोज वी हैव अ कंपाउंड लाइक ब्यूटेन, तो ब्यूटेन इज C4H10 एंड द वैल्यू द स्ट्रक्चर ऑफ दिस C4H10 इज डिफरेंट वे, एक आप सिमेट्रिकल स्टेट वे में भी लिख सकते हैं, आप इसको साइड चेन इट मीन्स एक तरीके से मैपिंग फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्या, ब्यूटेन। नाउ
these are the isomerism of isomers of alkanes. Alkanes have a different isomer. Suppose we have a compound C4H10. C4H10 के दो isomer आपको दिख रहे हैं, CH3, CH2, CH2, CH3. इसको बोलते हैं N-butane, यानी normal butane इसको बोलते हैं. अगर इसी में एक कार्बन की चेन को, कार्बन को हम क्या कर रहे हैं, साइड चेन में एडजस्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद वो क्या बन जाएगा, CH3, CH, CH3 एंड देन CH3. दिस इज आइसो ब्यूटेन, ठीक है ना. ऐसे ही एक CH3 को और हम साइड चेन पे ले आए तो वो बन जाएगा न्यू ब्यूटेन. तो C4H10 जो एल्केन है उसके तीन आइसोमर आपके मिल गए. आइसोमर होते क्या है इसका भी हम डिस्कस करेंगे जब नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा स्टीरियो केमिस्ट्री का. तो वैसे थोड़ा सा हम समझ सकते हैं कि आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. सपोज वी हैव अ एग्जांपल लाइक C4H10. C4H10 गेट थ्री टाइप ऑफ आइसोमर्स. वन लाइक मैंने कहा कि नॉर्मल एल्केन्स, यानी एन-ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन एंड न्यू ब्यूटेन. दीज थ्री आर द आइसोमर्स ऑफ C4H10 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम होगा बट द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ दीज थ्री आइसोमर्स आर डिफरेंट. दिस इज आइसोमेरिज्म. नाउ इन द सेकेंड वन इज कंस्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म. अब देखिए जो एल्केन्स होता है, एल्केन्स के अलग अलग आइसोमेरिज्म होते हैं. जैसे चेन आइसोमेरिज्म की हम बात करते हैं तो ये चेन के फॉर्म में आपको दिखेगा. ऐसे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप तो इसमें आएगा नहीं बिकॉज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है. ऐसे आपके पास पोजिशनल आइसोमेरिज्म है. तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के क्या हैं, कंस्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म को शो करता है एल्केन. नाउ दीज आर द नेम ऑफ स्मॉल हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रो मैंने कहा ना, एन की वैल्यू को अब अगर आप मल्टीपल वे में ऐड करते जाओगे, एन इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड नंबर ऑफ एन, देन वी गेट द वेरियस नंबर ऑफ एल्केन्स. सो दीज आर 1 to 10 नंबर ऑफ कार्बन को हम बोलते हैं स्मॉल हाइड्रोकार्बन्स, दैट इज एल्केन. सपोज वी हैव द नंबर ऑफ वैल्यू कार्बन इज 1, देन वी गेट मीथेन. दिस इज द मॉलिकुलर फॉर्मूला. तो दीज थ्री टेबल्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन्स एंड द फंक्शनल नेम, फार्मूला नेम, एंड देन दिस इज द फंक्शनल जो आपका फार्मूला नेम है उसके अकॉर्डिंग उसका स्ट्रक्चरल. तो एन की वैल्यू को अगर आप 2 रखेंगे दैट इज वी क्या होगा, इथेन. इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको मिल गया C2H6. तो ये CnH2n+2 जो मैंने बताया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इस पर अगर आप वन एन की वैल्यू को 1 by 1 से लेकर 10 तक ऐड करते जाओगे तो इस तरीके से ये वेरियस मेंबर्स आपके एल्केन के मिलेंगे एंड दिस इज द स्ट्रक्चर. नाउ दिस इज दीज आर द लार्ज हाइड्रोकार्बन. लार्ज हाइड्रोकार्बन का मतलब इफ यू हैव द नंबर ऑफ वैल्यू एन इज इक्वल टू मोर देन 10, 11, 12, 13, 14, 15, देन वी गेट द नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन. सपोज वी हैव अ नंबर ऑफ एन इज इक्वल टू 11, देन वी गेट अनडिकेन. देखो 10 नंबर ऑफ कार्बन तक के जितने भी हाइड्रोकार्बन होंगे दैट इज दे रिप्रेजेंट द नेमिंग ऑफ डिकेन, एंड अबव द 10 यानी 11, 12, 13, 14 तो इस तरीके से हम अनडिकेन, डोडिकेन, ट्राइडिकेन, टेट्राडिकेन, पेंटाडिकेन, हेक्साडिकेन एंड फाइनली इफ द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू 20 देन वी गेट आइसोकेन. आइसोकेन इज द एल्केन इन विच द नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 20. तो दीज आर द नंबर, लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन. नाउ इफ वी रिएक्ट एनी हैलाइड्स इन टू द एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन लाइक एल्केन, देन वी गेट एल्काइल ग्रुप. मैंने इससे पहले भी बताया था कि एल्काइल हैलाइड्स क्या होगा या एल्काइल ग्रुप्स क्या आएगा. अगर क्या होगा, कार्बन से यानी CH4, सपोज आपके पास कोई मेंबर है, CH4 से हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो CH4 से एक हाइड्रोजन कम हो गया, बन गया CH3. तो CH3 इज मिथाइल, CH4 इज मीथेन, मीथेन से मिथाइल बन गया आपका. कब, जब एक हाइड्रोजन को आपने क्या किया, रिलीज किया. सिमिलरली आपके पास अगर C2H6 का मॉलिक्यूल है इथेन, इथेन से एक हाइड्रोजन को अगर आप माइनस करोगे या बाहर करोगे तो वो बन जाएगा C2H5. C2H5 इज इथाइल. तो इस तरीके से ये प्रोनाउंसेस होते हैं एल्केन्स का अगर हाइड्रोजन को कम करने के बाद, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल. तो दिस इज द नॉमेनक्लेचर एल्काइल ग्रुप्स. तो इनको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप्स. इस तरीके से आप किसी को भी कर सकते हैं आगे को. दिस इज एल्काइल ग्रुप्स. नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर. प्रोपेन, प्रोपेन का जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से हम दिखा रहे हैं. प्रोपेन, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल. देखो प्रोपेन में क्या होगा आपका, C3H8. प्रोपाइल में एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा. देखो हमने दिखा रखा है यहाँ पे सेकंड नंबर के स्ट्रक्चर में, ठीक है ना. ऐसे ही आपके पास एक और साइड चेन जोड़ देंगे तो आइसोप्रोपाइल बन जाएगा आपका. तो दिस इज डिफरेंट वे, डिफरेंट टाइप ऑफ एल्काइल ग्रुप्स. सिमिलरली दीज आर द C4 नंबर कार्बन, 4 के जितने भी एल्काइल ग्रुप्स हैं. सपोज हम बोलते हैं ब्यूटेन, ब्यूटाइल एंड सेकेंडरी ब्यूटाइल. सेकेंडरी ब्यूटाइल का मतलब ये होता है कि कार्बन एटम से दो एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे, यानी जिस कार्बन से साइड चेन जुड़ी होगी उसके अराउंड पे दो साइड चेन और जुड़ी होंगी आपकी, यानी सेकेंडरी पोजिशन पे होगा. ऐसे ब्यूटाइल को टर्सरी पोजिशन पे नहीं कर सकते आप. नाउ आइसोब्यूटेन्स है, यानी आइसोब्यूटाइल, देन
टेट्राब्यूटाइल. तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप्स. नाउ टाइप्स ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, अल्काइल ग्रुप्स की कैटेगरी भी मैंने आपको बताई थी. तो अल्काइल ग्रुप्स की जो कैटेगरी होती है वो प्राइमरी पोजीशन की भी हो सकती है, सेकेंडरी पोजीशन की भी हो सकती है, टर्सरी पोजीशन की. हम बोलते हैं टर्सरी अल्काइलाइट, सेकेंडरी अल्काइलाइट. तो ऑलवेज क्या होता है, जो अल्काइल ग्रुप में जो ग्रुप ऐड होगा वो कार्बन के देखा जाएगा. अगर एक नॉर्मल कार्बन चेन के फॉर्म में होगा तो वो नॉर्मल अल्काइल ग्रुप हो गया. अगर नॉर्मल कार्बन चेन से एक साइड चेन होगी तो उसको हम आइसो बोल देंगे, यानी सेकेंडरी बोल देंगे. ऐसे ही तीन होंगे तो उसको टर्सरी बोल देंगे, ऐसे ही फोर होंगे तो उसको क्वार्टनरी बोल देंगे. तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के अल्काइल ग्रुप होंगे आपके, प्राइमरी अल्काइल ग्रुप, सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप, टर्सरी अल्काइल ग्रुप एंड क्वार्टनरी अल्काइल ग्रुप. क्वार्टनरी का मतलब फोर टाइम, फोर्थ पोजिशन पर होगा उसका. तो दिस इज द टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप्स. हेयर वी सी द नेमिंग ऑफ एल्केन्स. तो ये दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एल्केन्स का जब हम नॉमनक्लेचर करते हैं तो नेमिंग करने में एक प्रीफिक्स ऐड होता है. सपोज हमने कहा ना एल्केन, ए एन ई, तो ये ए एन ई जो वर्ड है, जो सफिक्स आप लगाते हैं, जैसे मीथेन, मैथ प्लस एन मीथेन, एथ प्लस एन एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन. तो ऑलवेज जब भी आप क्या करते हैं, किसी भी एल्केन्स का नॉमनक्लेचर करते हैं तो उसके एज अ सफिक्स यूज करते हैं एन. ठीक, तो उस तरीके से हम अलग अलग मेम्बर्स को उसका नॉमनक्लेचर दे सकते हैं. तो अब देखिए एल्केन्स में भी दो तरीके के नॉमनक्लेचर हैं इसके. एक तो इसका होता है इसका कॉमन नेम, एंड द सेकंड वन इज इट्स आईयूपीएसी नेम. आईयूपीएसी इज अ स्टैंडर्ड नेम. तो कॉमन नेम में हम बात करते हैं, सपोज वी हैव एग्जांपल लाइक CH4, CH4 इज मीथेन. ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं CH3, CH2, CH3, CH2, CH3, दैट मीन्स तीन कार्बन की चेन है आपकी, तो उसको हम बोल देंगे प्रोपेन. ठीक, तो ऑलवेज जब आप नॉमनक्लेचर करेंगे जो लोअर मेंबर्स ऑफ एल्केन्स हैं उसमें हम इस तरीके से कह सकते हैं मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, पेंटेन. इस तरीके से हम इसका नॉमनक्लेचर दे सकते हैं. तो हमेशा याद रखिएगा आप लोग कि इन केस ऑफ एल्केन इसमें एक सफिक्स हम यूज करते हैं, दैट इज एन सफिक्स. पेरेंट मॉलिक्यूल में एन अगर आप ऐड कर दोगे तो उसके नाम से उसका नॉमनक्लेचर हो जाएगा. और इसके अलावा हम आईयूपीएसी की बात इसके बात करेंगे. सपोज वी हैव एग्जांपल लाइक दिस वन CH3, CH, CH3, CH2, CH2, CH3. तो अब जब नेमिंग करेंगे तो अगर नॉर्मल कार्बन चेन में होगा तो जैसे ये होता है CH3, CH2, 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 CH3. नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं आपके पास, 5. तो 5 कार्बन के कारण तो हमने कहा कि पेंट प्लस एन, पेंटेन. अब इसका एक साइड चेन में CH3 जुड़ा हुआ है तो अब इसका नाम बदल जाएगा 2-methyl. अब नाम करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, 5 पेंटेन. तो 2-methyl पेंटेन इज द IUPAC नाम ऑफ दिस कंपाउंड. एंड सिंपली आइसो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितना, हेप्टेन. तो आइसो ग्रुप हो गया. तो अब जब हम नॉमनक्लेचर करते हैं तो कॉमन नेम एक उसका शो करेंगे, एक उसका IUPAC नेम हो जाएगा. तो इस तरीके से इस पूरी की पूरी स्लाइड पर डिफरेंट टाइप के आपके एल्केन्स हैं और उसका उनका नेम हम करेंगे. नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स. एल्केन की अपनी प्रॉपर्टीज होती है. मैंने आपने आपसे कहा था कि किसी कोई भी कंपाउंड दो तरीके की प्रॉपर्टीज शो करता है, एक तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी और आपका क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टी. तो इस प्रॉपर्टीज को हम समराइज इस तरीके से कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में. तो जितने भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड होंगे जो एल्केन्स के अंदर आएंगे तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम ये कह सकते हैं कि जितने भी लोअर मेंबर्स ऑफ एल्केन्स होंगे, सही है, मीथेन है, इथेन है, ब्यूटेन है, दे ऑल आर गैसियस इन नेचर. इनका जो नेचर होता है आपका गैसियस फॉर्म में पाई जाता है, जैसे मीथेन गैस है, इथेन है, प्रोपेन है. अगर ऐसे ही इसके मेंबर्स में इंक्रीमेंट आएगा, सपोज मिडिल के जो मेंबर्स होंगे आपके, तीन तरीके से हम कैटेगराइज कर रहे हैं, एक तो लोअर मेंबर्स ऑफ एल्केन, देन मिडिल मेंबर्स ऑफ एल्केन एंड हायर मेंबर्स ऑफ एल्केन. तो मिडिल मेंबर का मतलब C5 से C20 तक के जितने भी मेंबर होंगे, दे ऑल आर फाउंड इन लिक्विड फॉर्म. एंड अदर अबव देन 20 यानी हायर मेंबर्स ऑफ एल्केन्स जितने भी होंगे, दे ऑल आर फाउंड इन वैक्स फॉर्म या सॉलिड फॉर्म. तो इस तरीके से ये इसका फिजिकल नेचर हो गया. ऐसे ही ऑर्डर होता है एल्केन्स का, अपना एक पर्टिकुलर ऑर्डर होगा. ऑर्डर इट मीन्स उसकी पर्टिकुलर स्मेल होती है, जैसे मीथेन है, इथेन है, ब्यूटेन है, ये गैसेस के अपनी पर्टिकुलर स्मेल्स होती है. तो दीज आर फिजिकल नेचर. नाउ इन द थर्ड नंबर, दैट इज इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन्स, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. तो ये कहा जाता है ऑलवेज, ये आप बात करेंगे कि When the increase the number of carbon atom, यानी जैसे जैसे members में आप बढ़ते जाएंगे lower member to higher members, तो उनका जो melting और boiling point होगा वो simultaneously क्या होगा आपका, increase करेगा. यानी इनकी melting and boiling points are depend upon the molecular weight. मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा तो उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा आपका, बढ़ेगा. तो दिस इज द थर्ड इम्पोर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स.
नाउ इन द केमिकल रिएक्शंस, एल्केन्स की अपनी पर्टिकुलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है. सबसे पहले हम ये जो इस स्लाइड में हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे एल्केन्स जो है का क्लोरीनेशन कर रहे हैं, दिट मीन्स क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन्स. तो एल्केन्स का जब क्लोरीनेशन आप कर रहे हैं, क्लोरीनेशन मीन्स रिएक्शन विथ क्लोरीन, ऑलवेज एल्केन्स का जब क्लोरीनेशन करता है तो वो एक पर्टिकुलर कंडीशन पर होती है, और वो मीडियम क्या होता है, बेसिकली सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है. और ये सनलाइट में जो रिएक्शन होगी, दिस इज दो तरीके की रिएक्शंस करता है यहाँ पे, एक कंट्रोल्ड क्लोरीनेशन होगा, एक अनकंट्रोल्ड क्लोरीनेशन होता है. कंट्रोल्ड क्लोरीनेशन में क्या होगा, क्लोरीन एक लिमिटेड अमाउंट पर रिएक्ट करता है, और अनकंट्रोल्ड की कंडीशन कब होती है, जब एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लोरीनेशन करता है तो फाइनली वी गेट CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड. तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन कर रहा है. देखिए सपोज वी हैव एग्जांपल लाइक CH4+Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HNU मीन सनलाइट, यानी जो भी क्लोरीनेशन होगा इसका वो सनलाइट की प्रेजेंस में होगी. तो हमने क्या किया, एक प्रोडक्ट आपको मिल गया CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, एंड देन HCl रिलीज हो गया. सिर्फ फर्दर CH3Cl को फिर क्लोरीनेशन करेंगे तो CH2Cl2 बन गया, एंड फाइनली फर्दर आप रिएक्ट करेंगे तो Cl2 के साथ CHCl2 क्लोरोफॉर्म आपको मिल गया, एंड फाइनली आप Cl2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे और कार्बन से क्या आ जाएंगे आपका क्लोरीन, 4-क्लोरीन. तो इट मीन्स CCl4 का मॉलिक्यूल बन गया. दिस इज द अनकंट्रोल्ड क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन. तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी क्लोरीनेशन. और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की मैंने बात कर दी आपको, फिजिकल नेचर कैसे होगा, बॉइलिंग पॉइंट कैसे इंक्रीज होगा, मेल्टिंग पॉइंट कैसे इंक्रीज होगा, और क्या उसका नेचर होगा, ऑर्डर क्या होगा, ये सारी की सारी चीज़ें इसके फिजिकल नेचर के अंदर आएंगे. एंड सेम वे नाउ द अनदर मेंबर ऑफ एल्केन्स इज साइक्लोएल्केन्स. साइक्लोएल्केन एंड एल्केन में क्या डिफरेंस होगा वो मैं बता रहा हूँ आपको, कि एल्केन्स अगर ओपन चेन फॉर्म में होगा दैट इज एल्केन नॉर्मल एल्केन, एंड साइक्लिक फॉर्म में सपोज वी हैव अ साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन में कार्बन नंबर कितने आपका 3, एंड दीज 3 कार्बन आर साइक्लिक इन नेचर, तो ऐसे ही साइक्लोप्रोपेन है. नाउ द सेकंड स्ट्रक्चर इज साइक्लोब्यूटेन. साइक्लोब्यूटेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे आपके पास 4, एंड किस फॉर्म में आपको मिल रहा है, साइक्लिक फॉर्म में. साइक्लोपेंटेन में 5 नंबर ऑफ कार्बन होंगे. एंड सिमिलरली साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने आपके पास 6. तो दीज आर द साइक्लिक कंपाउंड ऑफ एल्केन्स, साइक्लोएल्केन्स, एंड दीज आर कॉमनली नोन एज साइक्लोएल्केन्स. साइक्लो वर्ड एज ए यूज करते हैं आप इस पर. नाउ दीज आर द कॉम्प्लेक्स साइक्लिक कंपाउंड साइक्लोएल्केन्स. साइक्लोएल्केन्स में क्या है, अब जो नॉर्मल साइक्लिक फॉर्म है उसे हमने और ग्रुप उस पर ऐड कर दिए. तो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स साइक्लोएल्केन्स. सिमिलरली जो प्रॉपर्टीज आपका नॉर्मल एल्केन्स की होंगी वही साइक्लोएल्केन की प्रॉपर्टीज भी रहेंगी. मेल्टिंग पॉइंट का वेरिएशन है, फिजिकल नेचर का वेरिएशन है. तो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लोएल्केन्स. नाउ नेमिंग ऑफ द साइक्लोएल्केन्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. साइक्लोएल्केन्स का जब आप नोमेनक्लेचर करेंगे तो उसमें हम ये कहते हैं कि ऑलवेज, जब भी जैसे आपने नॉर्मल एल्केन में कहा कि जो पेरेंट मॉलिक्यूल होगा उस पर एन कर देंगे, एन ई जोड़ देंगे, तो साइक्लिक फॉर्म में साइक्लो एज अ प्रीफिक्स यूज करना है आपको. सपोज आपके पास 3 नंबर ऑफ कार्बन की साइक्लिक है तो 3 मेंबर ऑफ साइकिल में क्या हो गया आपका, मीट मैथ एट प्रोप, प्रोप बन गया. अब सिंगल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो प्रोप प्लस एन प्रोपेन, और किस फॉर्म में आपका साइक्लो, तो एक प्रीफिक्स आपको यहाँ पर एड ऑन करना है दैट इज साइक्लो. तो ओवरऑल नेम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन. ऐसे साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन. तो साइक्लो एज अ प्रीफिक्स यूज करते हैं जब आप साइक्लिक साइक्लोएल्केन का नोमेनक्लेचर करेंगे. अगर इसमें कोई ग्रुप जुड़ा होगा तो दैट इज अनदर थिंग. सपोज वी हैव अ कंपाउंड लाइक दिस वन साइक्लोपेंटेन, उसमें एक CH3 आपने ऐड किया हुआ है, तो CH3 की पोजीशन को देखेंगे आप जहां पर भी जुड़ा होगा, 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेन. तो ये दिस इज द IUPAC नोमेनक्लेचर. इसका डिस्कशन हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे. नाउ दिस इज द सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म. सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म को पढ़ने से पहले हम इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री में जब आप जाएंगे तो स्टीरियोकेमिस्ट्री वाले टॉपिक को पढ़ने के बाद इसकी हम जिक्र करेंगे. तो दिस इज द जनरल डिस्कशन अबाउट नॉर्मल हाइड्रोकार्बन दैट इज एल्केन. ये पहला मेंबर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का दैट इज एल्केन. ऐसे हम अगले टॉपिक में बात करेंगे एल्कीन की, फिर एल्काइन की, एंड अदर जो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड होंगे उनकी. तो वन बाय वन इसको हम इस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.